मांगते होंगे आप भी अपने रब से रोज एक मन्नत, इसीलिए आपके लिए जो फ्लैट लेकर आए लुक लाइक ए जन्नत। तो दोस्तों 2 BHK फ्लैट जो कि 70 गज के अंदर एल टाइप कॉर्नर, जी हां 70 गज के अंदर एल टाइप कॉर्नर, बहुत ही शानदार फ्लैट आपके लिए तैयार कर दिया है। तो पूरे फ्लैट का व्यू देखने के लिए जुड़े रहे मेरे यूट्यूब चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब पर। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मखीजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब पर। तो दोस्तों आज जो मैं फ्लैट आपके लिए लेकर आया हूं 2 BHK का फ्लैट है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है जो कि बिल्कुल 70 गज के अंदर, जी हां एल कॉर्नर 70 गज के अंदर आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। लोकेशन की अगर बात करूं तो उत्तम नगर की प्राइम लोकेशन जो कि आपको रहने वाली है, मेट्रो स्टेशन जो रहने वाला है वो 700 से 800 मीटर रहने वाला है, नियरेस्ट मेट्रो आपका नवादा रहने वाला है। और अगर एमेनिटीज की बात करूं तो नियर बाई आपको सारे स्कूल मार्केट आपको सब कुछ यहाँ इजिली मिल जाता है। तो पूरा फ्लैट का व्यू दिखाने से पहले ले चलता हूँ बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की तरफ और पार्किंग की तरफ। तो दोस्तों आ चुके हैं बिल्डिंग के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। फ्रंट एलिवेशन दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने दोनों साइड जो कि आपको वाइड रोड मिलने वाला है। इस साइड से भी आपको 20 फीट की रोड मिल जाती है और इस साइड से भी आपको 20 फीट की रोड मिल जाती है। तो ये हमारा एल कॉर्नर बिल्डिंग है जैसे मैंने आपको बताया है। तो फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ब्राउन और क्रीम कलर का इसमें हमने टाइल्स का काम किया है जो कि फास्टनर स्क्रू के साथ किया हुआ है। कम्बिनेशन आप देख सकते हैं टाइल्स का बहुत ही प्यारा हमने इसमें कम्बिनेशन दिया हुआ है। और अगर बात करूँ इसकी बालकनी एरिया की तो बालकनी एरिया में भी आप देख सकते हैं पूरा टफन ग्लास के साथ आपको रेलिंग्स वगैरह लगाकर दे रहे हैं। तो इधर आपसे हमारी मेन एंट्रेंस आ जाती है। एंट्रेंस आप देख सकते हैं बिल्कुल काफ़ी स्पेसेस आपको एंट्रेंस मिल जाता है, जिसमें अभी पार्किंग एरिया में जो आपको दिखाने जा रहा हूँ ये हमारा पार्किंग एरिया जो रहने वाला है बाइक पार्किंग के साथ रहने वाला है। पार्किंग एरिया में ले जाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा ये हमारी बाहर वाली वॉल पर आप देख सकते हैं इंटरकॉम फैसिलिटी दी है जो कि हर फ्लोर पर आपको मिलने वाली है। तो ये हमारा एंट्रेंस आ जाती है जिसमें आपको बाइक पार्किंग का स्पेस मिलने वाला है। ये आपका पूरा पार्किंग एरिया आ गया। ऊपर अगर दिखाना चाहूँ तो पार्किंग एरिया के अंदर भी हम आपको फॉल सीलिंग वगैरह करके दे रहे हैं। और साथ ही इधर आपके वाटर कनेक्शन आ जाते हैं जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का पानी आपको मिल जाता है और बोरिंग का पानी आपको सुबह शाम मिलने वाला है। तो ये हमारा स्टेयर एरिया आ जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। यहाँ पर अभी स्टेनलेस स्टील का हम इसमें आपको ग्रिल्स वगैरह लगाकर देंगे, पूरा कवर करके देंगे। आपको दिखाना चाहूँगा स्टेयर में भी वेंटिलेशन के लिए हमने प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है कि आपके स्टेयर के अंदर भी प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने सैंपल फ्लैट में। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। सैंपल फ्लैट दिखाने से पहले आप देख सकते हैं हमने जो मर्करी लाइट्स वगैरह आपको दिए हुए हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट काम के इस फ्लैट के अंदर। एंट्रेंस करते ही आपको पूरा जो वुडन वर्क के साथ आपको मेन डोर मिलने वाला है जो कि आप देख सकते हैं ग्लोसी लुक के अंदर मिल जाता है। 8 फीट की पूरी आपको चौखट की हाइट मिल जाती है। फ्लश हैंडल के साथ आपको पूरी एक गेट्स वगैरह हम लगा कर दे रहे हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मन्नत वाले जन्नत फ्लैट के अंदर। तो ये हमारा लिविंग एरिया आ जाएगा। लिविंग एरिया भी आप देख सकते हैं काफी खूबसूरत डिजाइन कर दिया है जो कि आप पूरा देख सकते हैं प्रॉपर एल कॉर्नर टाइल वर्क के साथ आपको यहां पर मिलने वाला है। साथ में इसके यूपीपीसी के वर्क का वर्क करके दे रहे हैं जो कि बहुत ही कम फ्लैट्स के अंदर हम इसको यूज किया करते हैं। तो ये हमारा जो टाइल का वर्क हमने आपको दिया ये आपके लिए पूरा लाइफ टाइम वर्क रहता है। इसमें आपको कोई अपने फ्लैट के अंदर मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो यूपीपीसी हो चाहे वो टाइल वर्क हो। तो पूरा जो आपको एल कॉर्नर मिलने वाला है इस वाली वॉल के ऊपर आपको कोई भी मेंटेनेंस नहीं देनी है, बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री आपकी ये वॉल रहने वाली है। ऊपर अगर फॉल सीलिंग की बात करूं तो डिफरेंट डिजाइन के साथ आपको फॉल सीलिंग डिजाइन मिल जाता है जिसमें एलईडी लाइट कोब लाइट फैंस इसमें लगा हुआ है। आप देख सकते हैं क्रिस्टल के साथ पूरा शैंडिलियर इसमें हम आपको लगा कर दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक सोफे के बिल्कुल फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं जो कि हमने एलईडी पैनल दिया हुआ है। काफी स्पेसियस आपको पैनल मिल जाता है, इसमें आप अपना 14 इंच तक का एलईडी टीवी लगा सकते हैं। साथ ही नीचे आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर्ड मिल जाते हैं जिसमें आप अपने रिमोट्स वगैरह यहाँ पर कंप्लीटली लगा सकते हैं। इस वाली वॉल को भी हमने ग्रीन ग्रास के साथ कवर किया हुआ है और देख सकते हैं बिल्कुल साइड में ही आपको यहाँ पर जो बॉक्स दिए हैं इसमें भी आप अपनी गिफ्ट एसेसरीज वगैरह लगा सकते हैं। मतलब लिविंग एरिया के अंदर कोई भी वॉल को हमने बिल्कुल फ्री नहीं छोड़ा। इस वाली वॉल पर भी आपको कस्टमाइज वॉलपेपर मिल जाता है। तो इसके साथ सबसे पहले आप दिखाना चाहूंगा इस जन्नत फ्लैट का किचन जो कि काफी स्पेसियस रहने वाला है, पूरा एल कॉर्नर किचन रहने वाला है जिसमें आपको देख सकते हैं
जो काम किया है ब्रांडेड काम किया हुआ है बिल्कुल, जो कि आपको देख सकते हैं ग्लोसी लुक के अंदर ग्रे और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन दिया है, जिसमें आपको डबल माइका लगाकर दे रहे हैं। इधर भी आपको एक्स्ट्रा कवर्ड मिल जाते हैं। साथ में अगर बात करूं उसके चिमनी की, तो चिमनी आपको पूरी सेंसर के साथ मिलने वाली है। आप अपना हाथ लेफ्ट राइट कीजिए, ऑन ऑफ हो जाती है चिमनी, आराम से हो जाती है। ऊपर अगर बात करूँ अदर वेंटिलेशन की, तो विंडो मिल रही है जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट वगैरह लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर आपको सेपरेट फ्रिज का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर आप अपना रेफ्रिजरेटर वगैरह लगा सकते हैं। इधर आपको हाइड्रोलिक बॉक्स मिल जाता है, इसमें भी आप अपने डेली यूज के कंटेनर्स वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। ये आपका आ जाएगा सिंक एरिया। अगर बात करूँ ब्रांड की, तो सिग्नेचर ब्रांड के अंदर आपको सारे टैप्स लगाकर दे रहे हैं, जो कि डाइवर्टर के साथ रहने वाले हैं। इधर आपको आरओ का प्रोविजन मिल जाता है, आप अपना चाहे आरओ या बर्तन स्टैंड यहाँ लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका डस्टबिन एरिया आ जाएगा, जिसमें आपको ड्रेन पाइप वगैरह दिया हुआ है। और साथ में अगर आप दिखाना चाहूँ इसका फॉल सीलिंग डिजाइन, तो आप देख सकते हैं किचन के अंदर भी काफी डिफरेंट डिजाइन के साथ हमने इसमें प्रोफाइल लाइट के साथ आपको फॉल सीलिंग दिया है। और साथ में आप देख सकते हैं बिल्कुल फैंसी जो कि हैंगिंग लैंप इसमें आपको हम लगा कर दे रहे हैं। किचन के अंदर आप देख सकते हैं पूरा 4 फीट की हाइट पे आपको पूरा टाइल कवर करके दे रहे हैं, मतलब एक खूबसूरत काम किया हुआ है खूबसूरत से फ्लैट के अंदर। तो साथ में आप ले चलता हूँ इसके आपको कॉमन वॉशरूम की तरफ, तो कॉमन वॉशरूम भी आपको काफी स्पेसियस मिलने वाला है। आप देख सकते हैं ये आपका पूरा स्पेसियस कॉमन वॉशरूम रहने वाला है, जो कि वॉल टू वॉल टाइल्स कवर किया हुआ है। वेंटिलेशन आपको गली साइड से मिल जाती है, जिसमें आप अपना यहाँ एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। इधर आपका वॉल हैंगिंग शीट आ जाती है, डाइवर्टर के साथ आपको पूरे टैप्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आप अपने सॉप वगैरह लगा सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको तैयार किया हुआ है। पूरा डाइवर्टर के साथ यहाँ पर आपको टैप्स मिल सिस्टम मिल जाता है। इधर आपका वॉश बेसिन एरिया आ जाता है। तो चलते हैं दोस्तों अब इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। तो फर्स्ट बेडरूम बहुत ही शानदार आपके लिए तैयार कर दिया है वेंटिलेशन के साथ। आप देख सकते हैं 10x13 का आपको ये रूम साइज मिलने वाला है। डिफरेंट डिजाइन का आपको वॉलपेपर्स लगाकर दे रहे हैं, फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं। ऊपर अगर बात करूं फॉल सीलिंग डिजाइन की, तो काफी खूबसूरत आपको फॉल सीलिंग मिल जाती है, जो कि लूबा वर्क के साथ आपको मिलने वाली है और प्रोफाइल लाइट के साथ मिलने वाली है। बात करें इस रूम की वेंटिलेशन की, तो विंडो साइड से आपको काफी बिग साइज की विंडो मिल रही है, जिसमें आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना विंडो एसी वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, आपके बेड फेसिंग पे बिल्कुल सामने आपको वार्डरोब मिल जाती है। आप माइका का डिजाइन, माइका का कलर काफी डिफरेंट अच्छे कलर के साथ आपको तैयार करके दे रहे हैं। डबल डोर वार्डरोब आ जाता है। ऊपर आपको देख सकते हैं गिफ्ट एसेसरीज के लिए बॉक्स दे दिए हैं। उधर आपका लगेज सेक्शन आ जाता है। यहाँ नीचे भी आपको एक्स्ट्रा कवर्ड मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और बिल्कुल ठीक वार्डरोब के साथ ही आपको LED पैनल मिल रहा है, जिसमें आप अपना 36 इंच तक का LED TV यहाँ लगा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने आप सेकंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाएगा, जो कि मास्टर बेडरूम रहने वाला है। मास्टर बेडरूम की अगर साइज की बात करूं, तो 10x12 का आपको रूम साइज मिलने वाला है। काफी स्पेसियस ये वाला भी आपको बेडरूम मिलने वाला है। 6x6 का बेड ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। बेड क्वल्टिंग आप देख सकते हैं पूरी अच्छे कलर के अंदर आपको क्वल्टिंग वर्क करके दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं आप अपने किसी फ्लोर के अंदर कलर चॉइस लेना चाहते हैं, तो हम आपको वो भी दे देंगे। दोनों बेड फेसिंग के साथ में आपको पूरा कवर्ड करके दे रहे हैं, जिसमें आप इसको अपना एज ए वार्डरोब यूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों रूम में आपको वार्डरोब मिलने वाला है। ऊपर अगर फॉल सीलिंग की बात करूं, तो प्रोफाइल लाइट के साथ आपको बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन में फॉल सीलिंग मिल जाती है। LED लाइट, कॉब लाइट मिल जाती है। बेडरूम में जैसे कि हमारा मास्टर बेडरूम है, तो साथ में इसके आपको अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, जो कि वो भी आपको काफी स्पेसियस मिलने वाला है। ये हमारा अटैच वॉशरूम आ जाएगा। वॉशरूम साइड आप देख सकते हैं काफी स्पेसियस मिलने वाला है। पूरा वॉल टू वॉल टाइल्स कवर किया हुआ, दोनों साइड आपको डिफरेंट कलर की टाइल्स मिल जाती है। फ्लोरिंग की अगर बात करूं, तो एंटी स्किड टाइल्स इसमें हम आपको लगाकर दे रहे हैं। वेस्टर्न शीट आ जाती है। इधर आपका वॉश बेसिन एरिया आ जाता है। और अदर वेंटिलेशन की बात करूं, तो आपको विंडो साइड से वेंटिलेशन मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना एग्जॉस्ट वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। बाथ फिटिंग पूरी डाइवर्टर के साथ मिलने वाली है। चलते हैं दोस्तों अब इसके बालकनी की तरफ। बालकनी दिखाने से पहले दिखाना चाहूंगा इस रूम की वेंटिलेशन। तो बिल्कुल डोर के ऊपर आ सकते हैं, यहाँ पर आपको विंडो वेंटिलेशन मिल रहा है, जिसमें आप अपना 1.5 टन का AC यहाँ पर आराम से लगा सकते हैं। तो ये हमारा बालकनी एरिया आ जाएगा। बालकनी भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत तैयार की है, काफ़ी स्पेसेस मिलने वाली है। अगर बात तो करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो एंटी स्किड टाइल्स करके दे रहे हैं, जिसमें आपको अगर आप वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पर लगाते हैं, तो ये स्लिप वगैरह नहीं होते हैं। बालकनी भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब आपको स्पेस मिलने वाला है। इधर आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा। टैप्स वगैरह लगाकर दे रहे हैं, स्विचेस वगैरह यहाँ लगाकर दे रहे हैं। यहाँ पर आप अपना इजिली वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया पूरा टफन ग्लास के साथ आपको रेलिंग्स मिल जाती है। हैवी स्टेनलेस स्टील के साथ 304 का इसमें हमने काम किया हुआ है, मतलब काफ़ी खूबसूरत काम किया है। तो प्राइस भी उसी तरीके से दिया हुआ, बहुत ही सस्ते बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के साथ आपको फ्लैट मिलने वाला है, जो कि उत्तम नगर की सबसे अच्छी लोकेशन में आपको मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि 70 गज के अंदर आपको ये 2 BHK फ्लैट मिलने वाला है।
बाइक पार्किंग के साथ रहेगा, एल कॉर्नर बिल्कुल आपको फ्लैट मिलेगा, रूम साइज आपको स्पेसेस मिल जाते हैं, लिविंग एरिया आपको स्पेसेस मिल जाता है, और तो और किचन वॉशरूम सब कुछ आपको यहाँ स्पेसेस मिलने वाले हैं। तो अगर बात करें इसके प्राइस की, सिर्फ और सिर्फ 25.5 लाख रुपए में, जी हाँ 25.5 लाख रुपए में, जैसा आपने फ्लैट देखा सेम एज इट इज आपको मिलने वाला है 70 गज का 2 BHK 25.5 लाख रुपए में, नवादा मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 700 से 800 मीटर के डिस्टेंस पे मिलने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए फ्लैट्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। आपकी 1 BHK 2 BHK 3 BHK जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको फुलफिल करें। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल दिल्ली प्रॉपर्टी हब के साथ। तो इसके साथ संदीप मखीजा को इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।